नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं D SSSB की लेटेस्ट अपडेट के साथ। D SSSB की तरफ से 8 नए रिजल्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस जारी किए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आठों नोटिसों को हम बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। ये है D SSSB की ऑफिशियल वेबसाइट D SSSB.delhi.gov.in। हमेशा की तरह ये सभी नोटिस यहीं पर जारी किए गए हैं। आज का पहला नोटिस इस प्रकार से है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर 577 TGT संस्कृत मेल पोस्ट कोड 144/17 से जुड़ा हुआ एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस जारी किया गया है। अगर आपने ये एग्जाम दिया था तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से एक कैंडिडेट का और इसमें सिलेक्शन कर लिया गया है। और इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस के बाद कट ऑफ इस प्रकार से है। अनरिजर्व 94.75, ओबीसी 72.75, एससी 88.75, ST 80.75, फिजिकली हैंडीकैप्ड OH 97 और VH की 78.50। अब चलते हैं आज के अगले नोटिस की तरफ। TGT संस्कृत मेल पोस्ट कोड 144/17 से जुड़ा हुआ एक रिजेक्शन नोटिस भी जारी किया गया है। एक कैंडिडेट है जिनका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया है। रीजन यहां दे दिया गया है, CTET क्वालिफाइड अंडर रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड 89 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं माना जाता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो इसलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। अब चलते हैं आज के तीसरे नोटिस की तरफ। ये एक रिजल्ट नोटिस है, नंबर है 574 स्विमिंग लाइफ गार्ड पोस्ट कोड 205/14 से जुड़ा हुआ, तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कैंडिडेट यहां देख सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से एक कैंडिडेट है जिनका इसमें सिलेक्शन कर लिया गया है। एक कैंडिडेट का यहाँ रोल नंबर दिया गया है, जिनके ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है E-Dossier मॉड्यूल में, तो इन्हें समय दिया जा रहा है 3 जनवरी 2020 से और 12 जनवरी 2020 तक का अपने ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। और जहां तक कट ऑफ लिस्ट की बात है, कट ऑफ मार्क्स की बात है, वो इस प्रकार से है। अनरिजर्व्ड मेल 84 और इसके अलावा बाकी किसी के भी यहां नहीं दिए गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले नोटिस की तरफ। ये एक रिजल्ट नोटिस है, जुड़ा हुआ है सर्विलांस वर्कर पोस्ट कोड 35/15 से, तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टोटल 63 कैंडिडेट थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया। कट ऑफ इस प्रकार से रही, ओबीसी 108.25 और एसटी की 90.25। और E-Dossier अपलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को समय दिया जा रहा है 6 जनवरी 2020 से लेकर और 20 जनवरी 2020 तक का। अब चलते हैं आज के अगले नोटिस की तरफ। ये एक रिजेक्शन नोटिस है, नंबर है 576 पेंटर पोस्ट कोड 90/14 से जुड़ा हुआ रिजेक्शन नोटिस है। ये एक रिजल्ट नोटिस है, नंबर है 575 पेंटर पोस्ट कोड 90/14 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। ये देखिए, कोई भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन नो कैंडिडेट फाउंड सुटेबल इन अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड एससी कैटेगरी, तो इन कैटेगरी से एक भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया है क्योंकि इतने पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक है अनरिजर्व्ड जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% अंक लेने अति आवश्यक है। आज का सातवां नोटिस, ये एक रिजेक्शन नोटिस है, नंबर है 573 टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 54/15 से जुड़ा हुआ ये रिजेक्शन नोटिस जारी किया गया है। एक कैंडिडेट है जिनका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया है। और आज का अंतिम नोटिस एक रिजल्ट नोटिस है, जुड़ा हुआ है पोस्ट कोड 54/15 टेक्निकल असिस्टेंट से ही। एक कैंडिडेट है जिनका इसमें सिलेक्शन कर लिया गया है और कट ऑफ है इस प्रकार से अनरिजर्व 92.25, ओबीसी से कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट आई थी D SSSB की तरफ से निकल के, जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप भी लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।